हिंदू समाज को आहत करने वाली बहुत सारी घटनाएं अभी पाकिस्तान में हो रही है। समाचार पत्रों में जो सारी बातें आई है उसके अनुसार पिछले एक माह में 6 कन्याओं से अधिक ऐसी हिंदू कन्याओं का अपहरण और उनका जबरन धर्मांतरण और बाद में उसके बाद में जबरन निकाह, ऐसी घटनाएं सामने आई है। कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन्हीं के समाचार पत्रों के अनुसार कई वो हिंदू बहनों ने प्रत्यक्ष सामने आकर ये कहा है कि उनके साथ में उन्होंने शारीरिक कष्ट देने का विषय, उनके ऊपर बलात्कार, रेप की घटनाएं निरंतर हो रही है। आज हम देखेंगे कि 1947 में पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो उस समय हिंदू आबादी पाकिस्तान के कुल आबादी के 16% थी, तो 2011 के समय जो आंकड़े हिंदू आबादी के सामने आए हैं तो 1.6% केवल वो आबादी रह गई है। तो मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न आता है कि करोड़ों हिंदुओं का क्या हो गया, मगर जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह के जानकारी एकत्र करने के ह्यूमन राइट्स के कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस, बाद में मूवमेंट फॉर सॉलिडेरिटी एंड पीस, ऐसे अनेक एनजीओज है कि जिन्होंने जो जानकारी एकत्र की है उनका अनुमान है कि कम से कम हर वर्ष 1000 से अधिक हिंदू कन्याओं का अपहरण, जबरन धर्मांतरण, उनके ऊपर अत्याचार, यह पाकिस्तान की एक आम बात है। और इसलिए इतने वर्षों से हिंदू समाज के ऊपर वहां रहने वाले जो कि वहां का अल्पसंख्यक समाज है, यह निरंतर अत्याचार हो रहे, एक तरीके से कंप्लीट डिसिमेशन ऐसा उनका हो रहा है। लोग इसके बाद जेनोसाइड जैसे कर नहीं रहे, मगर ये जेनोसाइड जैसा ही विषय है कि इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी ये 50-60 वर्षों में पूर्णतया नष्ट हो गई है। आज हम देखेंगे कि वहां की अभी जो घटनाएं हुई हैं, वहां मेघवाल हिंदू समाज की एक कन्या का अपहरण अभी चंद दिनों पहले हुआ है, और उसके पहले भी होली के समय दो अन्य हिंदू कन्याओं का अपहरण हुआ है कि जो नाबालिग थी। वहां पर इस ढंग की बातें की जा रही है वहां के सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से कि एक तरफ से बोल रहे कि ये सारी घटनाएं झूठ है, और फिर दूसरी तरफ से वो ये कह रहे कि यदि घटनाएं हुई है तो इन लड़कियों के स्वयं की इच्छा से हुई है। 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की लड़कियां किस तरह से ये निर्णय कर सकती है स्वेच्छा से कि मुझे विवाह करना है और मुझे धर्मांतरित करना होना है, तो इस तरह की बातें करना एक सरासर झूठ ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज हम देखेंगे कि भारत के केंद्र सरकार ने बहुत त्वरा से, बहुत जल्दी, प्रॉम्प्टली इसके बारे में एक्शन ली है। यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट दिया है, जानकारी पूछी है कि जिस कारण से पाकिस्तान के सरकार के लोग आग बबूले उठे। आज ये सही में हम इसकी परिस्थिति की गंभीरता जान सकते हैं कि पूर्ण देश भर में लगभग 50,000 के करीब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन पाकिस्तान हिंदुओं से आए हुए हैं। तो कितना दबाव हिंदुओं के ऊपर है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने गौरव की, अपने परिवार की, अपने संपत्ति की रक्षा करने के लिए कितना संकट पाकिस्तान में है कि हजारों की तादाद में वहां का हिंदू वहां से भारत में शरण लेने की इच्छा रख रहा है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद और विश्व भर का हिंदू यह पाकिस्तान के हिंदुओं को कहना चाहता है कि जो कोई भी भारत में शरण लेने के लिए आना चाहता है हिंदू, उसका हम स्वागत करेंगे। आज केंद्र सरकार ने एक बिल भी पार्लियामेंट में लाने का प्रयास किया, कुछ
बदलों के साथ में नया सिटीजनशिप बिल लाने का प्रयास किया, जिस कारण से भारत के परिसर में जो देश हैं, उनमें जो अल्पसंख्यक समाज है कि जो अत्याचारों के कारण से अपने जीवन को संकट में अनुभव करता है, वो यदि भारत आएगा तो उसको भारत की नागरिकता देने के लिए जो प्रावधान करने उसको साथ में लेकर वह बिल लाया गया था। दुर्भाग्य से हर चीज में देख राजनीति देखने वाले और हिंदू हित के विरोध में काम करने वाले लोग इस देश में हैं, और उन्होंने इस बिल को पारित नहीं होने दिया राज्यसभा में। यह वास्तविकता है। मैं सही में राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग कि जो इस तरह के बिल के विरोध कर रहे हैं, मैं उनको आवाहन करता हूं कि इस तरह का जो बिल आएगा कि जिसमें प्रताड़ित होने के कारण से आसपास के देश के अल्पसंख्यक मुख्यतः जो हिंदू है वो भारत में आएंगे, तो उनको शरण देने के जो प्रयास हो रहे हैं उसको विरोध न वो करें।